काफी भाई पूरा एकदम जम चुकी है। इधर से अभी सब लोग वॉक करके उधर जा रहे थे। ज्यादा अंदर नहीं है भाई, देखो ज्यादा अंदर तक जमा नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेना। अंदर गए तो अंदर ही रह जाएंगे इधर पानी में ही। ये देखो, हाँ हाँ ये पूरा जम गई है यहाँ पर। देखो देखने से लग रहा है कि हल्का ही जमा है, बट वही तो। हाँ हाँ ये भाई हिमालयन ट्रेक पूरी खड़ी चढ़ाई है। हमारे ग्रुप में टोटल 18 लोग हैं, अभी 5-6 लोग ही हम ऊपर है, बाकी सब नीचे है। खड़ी चढ़ाई है भाई पूरा एकदम, ये पहाड़ों में एकदम देख सकते हो। चलते ऊपर के साइड थोड़ा, क्योंकि ऊपर ही रुकेंगे। अपने ग्रुप में टोटल 18 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग ही आ गए हैं। देखो दो तीन और दो लोग ऊपर, बाकी सब नीचे से आ रहे हैं भाई। हैवी ट्रिक है यार पूरी खड़ी चढ़ाई, मजा आएगा अभी ऊपर जाने के बाद। ओ लो भाई, दुआ का तला जाने में मजा आएगा। 500 मीटर आ गए होंगे शायद, बोल गुर्दे फट गए। हर तरह का नजारा भाई, बैठ जा नहीं तो वो गाली देगा। ना ना बोला है थोड़ा ऊपर, हम तो बोले हम लोग, लेकिन नीचे ही बोले थे रुकने के लिए, कुछ ज्यादा ऊपर आ गए। अगर इतना हिमालयन ट्रेक करने आओ, ये ट्रैकिंग पोल ये बहुत ही हेल्प करी हम लोग को ट्रेक करने के लिए। खड़ी चढ़ाई भले ही है, लेकिन काफी हेल्प हो रहा है इससे। आधा वेट आपका यही ले लेगा बॉडी। हाँ हाँ फायदा हो रहा है भाई। अगर आप ट्रेक करने आओ कहीं भी जाओ हिमालय में, तो अगर हिमालय में ट्रेक करने जा रहे हो तो भाई ऐसी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी हर जगह। तो आप सारी चीज़ें लेकर आओ या फिर रेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया है। चलते हैं ऊपर की तरफ और जुड़ा का तालाब आपको दिखाएंगे ऊपर भाई। ऊपर आ, चलो रे, चलो चलो। अभी यहाँ से जो है जुड़ा का तालाब 1 घंटे का डिस्टेंस है, काफी ऊपर आ गए और हम लोग अपने ग्रुप में सबसे ऊपर हैं टॉप पे। याद है कि हमारा गाइड भी पीछे पहले मैं और राहुल भाई चल रहे भाई। हाँ हम भी पीछे हैं साथ में, मैं रुकने के बाद आप आगे। चलते हैं भाई, लेकिन यहाँ का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल का भाई। ऊपर का भी आपको दिखाएंगे। भाई जुड़ा तक के तालाब पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है और ऊपर से ये खड़ी ट्रैकिंग पहाड़ों की। ये देखो पूरा खड़ा है भाई, ये देखो देख रहा है नीचे से पूरा आ रहे हैं लोग, पूरी ट्रैकिंग ही खड़ी है भाई। देखते हैं बर्फ़ वगैरह आगे मिलती है कि नहीं, और वही जुड़ा का तालाब पहुंच गए कि नहीं पता नहीं, थोड़ा ऊपर जाके पता चलेगा। ठीक है, जुड़ा का तालाब ये देखो, ये पूरा सभी मतलब अलग अलग कंपनियों का जो है यहाँ पर कैंपिंग लगा है। और ये जुड़ा का तालाब भाई कतई एकदम ब्लैक पानी दिख रहा है यहाँ का, तो यार दिखाता हूँ सुबह में आपको पूरा। और ये हमारा टेंट है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर रात को आज हम रुकने वाले हैं। और अपना नाश्ता हो गया, मतलब लंच टाइम जो लंच में क्या मिला, दाल चावल बस, दैट्स इट। और अभी थोड़ी देर बाद अपना फिर से स्नैक्स वगैरह का रहेगा। और भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग का? अच्छा, क्या ऊपर क्या है, ऊपर बर्फ है अभी तो नहीं है? आप कब जा रहे हो? अब अभी सुबह को निकलेंगे कल, बट आपको अगर समिट पे भी नहीं मिली तो ऑन द वे आपको मिलेगी, ऑन द वे मिल जाए।
समिट पे कैसा है ना, थोड़ा वातावरण वोलेटाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादा देर ऐसे बादल रहते नहीं, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, वही दिक्कत है। देखते हैं कल हम लोग को निकलना है, अगर देखोगे तो पूरा आपको दिखेगा धूप, बट इधर धूप नहीं है, इधर पूरा भाई अभी ठंड भी, टेम्परेचर भी पहुंच गया 4-5 के आसपास होगा, रात में शायद माइनस में भी जाए। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम जूड़ा का तालाब जिसको फ्रोजन लेक भी बोलते हैं, और अभी हम लोग इस टाइम पर जिस टाइम पर आए हैं भाई दिसंबर, और आज की डेट है 22 दिसंबर, और अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखो बर्फ़ तो नहीं है, आपको बाहर इधर नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है कि हम सबमिट करने ऊपर की तरफ जाएं तो ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये फ्रोजन लेक है, और इधर ये पूरा लेक इस साइड में जम गई है, उधर अभी हल्का हल्का जमी है, बट इधर पूरा जम गई है। लेट्स सी, थोड़ा सा चेक करते हैं इसको, और यहाँ से लोग भाई वॉक करके आगे तक भी जा रहे थे, ये देखते हैं काफ़ी भाई पूरा एकदम जम चुकी है, इधर से अभी सब लोग वॉक करके उधर जा रहे थे, चला जाए क्या इधर भाई पूरा एकदम ये पूरा लेक इस साइड में जम चुकी है, इधर ज़्यादा भी नीचे तक, और यहाँ तक देखो ये पूरा मिट्टी है, और वो आगे वाला पोर्शन भी मिट्टी है, और ये पूरा चारों तरफ से लेक है जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये पूरा लेक जम चुकी है, और रिस्क नहीं लेना है सोचा जाने का, लेकिन नहीं भाई इधर से ही देख लेते हैं और आगे तक नहीं जाएंगे, और यहाँ से भी हमारी जो जर्नी है यहाँ से अभी चालू होगी, आज की हमारी चालू होगी बेस कैंप के लिए, और बेस कैंप की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कल हमें ऊपर आने में लग गया था 4-5 घंटे के आसपास, लेकिन आज जैसे कि हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से बेस कैंप जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आई थिंक 2 or 3 hours, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं सोचा कि जिधर एटलीस्ट बर्फ़ पूरा जम गई उधर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख रहे हो, ये देखो भाई, ये देखो, हाँ हाँ ये देखो, ये पूरा बर्फ़ जमी है भाई, ये देख रहे हो पूरा पूरा एकदम, ये पूरा देख रहे हो कितनी मोटी परत है, पूरा ख़तरनाक जमी हुई है, बट बर्फ़ पे जा नहीं सकती, ये भी शायद बर्फ ही है जिस पे हम चल रहे हैं इधर, ये देखो, चलो पानी के साइड में चलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं भाई। मॉर्निंग सुबह सुबह फ्रोजन लेक के सामने, अभी पता है मैं सोच के आया था बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ इधर मिलेगी तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन भाई उतना बर्फ़ तो है नहीं, जितना सोचे थे उतना नहीं है, ये देखो ये पूरा जम गई है, एक मिनट, ये पूरा जम गई है यहाँ पर, देखो देखने से लग रहा है कि हल्का ही जमा है, बट थोड़ा नीचे तक, कितना नीचे होगा, ये है तारकेश भाई जो हम लोग साथ में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तारकेश भाई कैसा लग रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आ रहा है, ये कितना नीचे तक होगा, ये कितना जमा होगा अभी, ये कितना जमा होगा, 2-3 इंच जमा है ज्यादा, 2-3 इंच ही होगा ना, टूटने का डर है, ये देखो भाई पूरा बर्फ जमी है पूरा एकदम, रात में कितना टेम्परेचर गया होगा, -6 के आसपास, ये देखो ना, देखो पानी है, बोले ना 1 इंच भी नहीं, ज्यादा अंदर नहीं है भाई, देखो ज़्यादा अंदर तक जमा नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेना, अंदर गए तो अंदर ही रह जाएंगे इधर पानी में ही, ये देखो, हाँ हाँ टूट नहीं रहा यार, सोचा तोड़ के दिखाते हैं, चलते हैं भाई ऊपर की साइड, ऊपर की साइड अपने ग्रुप के सारे लोग हैं तो उधर सबसे मिलाता हूँ, इन्जॉय करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ऊपर की साइड शायद आपको बर्फ़ देखने को मिल जाए, स्नो देखने को मिल जाए कैंप साइड में, बेस कैंप के साइड, चलो भाई अभी मैं आपको अपना कैंप साइट दिखाता हूँ जहाँ पर रात को हम लोग रुके थे, और यहाँ पर तो आज लास्ट नाइट ही था, अब यहाँ से हम निकलेंगे तो बेस कैंप रुकना है जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, और देखो जिस कंपनी के थ्रू हमारे हेलो आइकर्स, ठीक है भाई, मतलब सुबह में नाश्ता, अभी फिर 9 बजे के आसपास लंच चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना बहुत सारी कैंप साइट पड़ी है भाई, मैं ऊपर जाऊँगा तो दिखाऊँगा, और ये हमारा, ये देखो ये फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक के सेम अपोजिट में ये मेरा कैंप है, मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आपको, लेकिन भाई स्लीपिंग बैग जो था ना ख़तरनाक था भाई, स्लीपिंग बैग मतलब कि यहाँ पर रात में शायद माइनस में टेम्परेचर गया था, बट सही था उतना, मतलब पता नहीं चला गर्मी था यहाँ पे, ये देखो हेलो हाइकर जिसके थ्रू हम लोग आए थे, चलो आगे चलते हैं भाई, यहाँ से देखो ये है अपनी कैंप साइट जो आपको दिख रही होगी,
और ये है हमारा कैंप जिसके अंदर तीन लोग सोए हैं, मतलब हर कैंप के अंदर तीन लोग सोए हैं। और यहाँ से देखोगे तो बहुत सारी कैंप यहाँ पर दिखेगी आपको। यहाँ से देखो, मैं आपको हाथ से दिखाता हूँ, ये साइड से लेकर पूरा इधर भी, इधर अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर कैंप साइट है, जो कि ठीक है अगर आप किसी भी कंपनी की शुरुआत कर रहे हो। और एक चीज़, जब भी आप केदार कांठा ट्रेक के लिए आ रहे हो, खुद का स्टिक ले लो, खुद का हेडलाइट ले लो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। हेडलाइट का मान लो कि 300-350 के आसपास लगेगा और आपको रेंट ही ले लेंगे लोग 200 रुपये हेडलाइट का। तो हेड टॉर्च जो है वो आप पहले से ही बाय कर लो, उसके बाद इधर आओ। चलते भाई, अब यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको दिखाता हूँ आगे का हमारा बेस कैंप का जो रूट है। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है फ्रोजन लेक, जिसको जूड़ा का तालाब बोलते हैं, पूरा आपको दिखा दिया, जो कि अपर साइड में जम चुकी है, नीचे भी हल्का हल्का ठीक है। अभी जैसा सोच के आया था वैसा तो नहीं मिला, बट आगे चलते आगे का नज़ारा देखेंगे भाई क्या है, उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ।